पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना एक बार फिर अपना आतंक मचा रहा है। पिछले 2-3 महीनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अचानक से बढ़ोतरी ने फिर से सरकारों को चिंता में डाल दिया है। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार 1 मार्च से फिर से सख्ती करने जा रही है। यह भी बता दें कि कोरोना का ये नया स्ट्रेन पहले वाले से भी बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने हमारी टीम से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही कोरोना से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेशक वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन अभी कोरोना जड़ से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क लगाने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। वही कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाकर भी कोरोना से बचा जा सकता है। सुनिए पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर साहब, ये जड़ा हूँ नवा स्ट्रेन आया है, जिस कारण हूँ पंजाब ते खास तौर पर चंडीगढ़ की गल करिए, एकदम केसिस दे विच वादा हो रहे, की कारण की है दे पीछे? जो नया स्ट्रेन है ये कोविड-19 का, जो इंडियन स्ट्रेन आया है, वो अभी रिसेंटली डिटेक्ट किया गया है। ये एक फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है, जो फैलता तेज़ी से है ये, और इसमें भी हमें प्रोटोकॉल को ही फॉलो करना है। और कारण इसका है कि म्यूटेशन इसमें होगी, जो वायरस है अपना रंग बदल गया, अपना कैरेक्टर बदल चुका है, और इसमें म्यूटेशन आ गई एनवायरनमेंट और कई कारणों से जी। तो इसमें सर सिम्टम्स कोई अलग है? सिम्टम्स के वही पुराने वाले सिम्टम तो वही है जो पुराने वाले कोविड-19 वायरस के थे, कोरोना वायरस के थे, इसमें भी वही है। और सिर्फ यही है कि ये तेजी से फैलता है, तो ये तेजी से फैलता है तो ज्यादा लोगों को चपेट में लेगा, इसलिए हमें तो पूरा प्रिकॉशन सावधान रहना है। इसकी वजह से नंबर भी बढ़ सकता है कोविड का जी। और मोर्टिलिटी टाइम ही बताएगा कितनी मोर्टिलिटी बढ़ेगी जी। सर अभी तक की अगर बात करें पंजाब या चंडीगढ़ या आसपास दे कोई ऐसा दे केस देखने मिले कि जड़े नवे स्ट्रेन हो? एक्चुअली कई केसेस देखने में मिले हैं, और ये टेस्टिंग जो इसकी होती है वो सिर्फ हमारी जो अभी प्रेजेंट टेस्टिंग है, चाहे पंजाब हरियाणा हिमाचल में, वो कोविड-19 वायरस के लिए होती है जैसे। और जो जब इसके लिए कोई स्पेशल टेस्टिंग की जाती है, जैसे ये नया स्ट्रेन, तो इसके लिए स्पेशल टेस्टिंग होती है, जीनोम वगैरह जो इसके लिए टेस्ट करते हैं वो आम तौर पे नहीं किया जाता है जी। पर हम अपनी तरफ से आमतौर पे प्रिकॉशन तो ले ही सकते हैं, लापरवाही तो हमें नहीं करनी चाहिए ना जी। सर आम पब्लिक लई भी जड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने जा रही है 1 मार्च तो, हालांकि 60 साल तो ऊपर की उम्र दे 45 साल तो जड़े ज़्यादा हैगे, उन्होंने अगर कोई बीमार है उन्होंने लगे किवें देखते हो कि लोगों को जागरूक करने लिए की इंतजाम जड़े किए जा रहे हैं ताकि लोग वड्डी तो वड्डी गिनती दे विच अगे आए? डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा कहा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली अपॉर्चुनिटी, जो पहली मौका दिया वो तो हेल्थ केयर वर्कर को दिया था, डॉक्टर नर्सिस और सारे स्टाफ को दिया था, उसमें भी सब लोगों ने इसका फायदा नहीं उठाया। मैं तो ये कहूँगा कि उनको भी फायदा उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसी तरह से जो ये सेकंड अपॉर्चुनिटी दी है उन लोगों को जो सीनियर सिटीजन है, जो 60 साल से ऊपर हैं, और जो लोग 45 साल से ऊपर है और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि सिस्टेमिक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की डिजीज है, लंग्स की डिजीज है, किडनी की डिजीज है, तो उन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है। इसीलिए मैं तो ये समझता हूँ कि सभी को चाहिए कि भी वैक्सीनेशन लगाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, इसका कोई भी रिस्क नहीं है जैसे वैक्सीनेशन का जी। इसमें कोई ऐसे मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, कोई मामूली पेन हो या थोड़ा फीवर हो, पर आपकी लाइफ तो बचेगी क्योंकि हर एक जैसे कोविड-19 की वजह से, वायरस की वजह से कितनी डेथ हुई है जी, कंट्री में 1,10,00,000 इफेक्ट हुए हैं, उनमें से लगभग 1.5 लाख के करीब डेथ हुई है, लगभग 1% के करीब, तो 100 में से एक बंदा मरे तो वो कोई अच्छी बात थोड़ी भी है जी। हमें तो चाहिए कि भी वैक्सीनेशन लगाएं, और जो इंक्रीज है कोविड का, जो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ रहे हैं, जो सर्ज हो रही है, उसको खत्म करें, उसको इलिमिनेट करें जी। सर लास्ट सवाल,
पीजीआई दे विच किसी की तैयारी है जड़े हुन आम पब्लिक नु हुन जड़े वैक्सीनेशन लगनी होते ले? हमारे पास तो पीजीआई में तो साल भर वैक्सीनेशन चलती है, पहले बच्चों में तो पीडियाट्रिक सेंटर में साल भर वैक्सीनेशन चलती है। अब तो हम लोगों ने 4 एडिशनल सेंटर खोले हैं जहाँ पे हमारे पास पूरी तैयारी है, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर के लिए है, चाहे जिन लोगों की उम्र 60 साल या ऊपर है या कोमोर्बिडिटी वाले लोग 45 ईयर और ऊपर है, तो सबके लिए हमारे पास तो पूरी तैयारी है। थैंक यू सर, धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।